तो दोस्तों आज है 42 डे ऑफ 50 डेज फिटनेस चैलेंज है दमन बीच, और हम खड़े आज वापी बस डेपो के पास खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्या अखतरा करते रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट करने में बिलीव करता हूँ और नया कंटेंट देने में बहुत बिलीव करता हूँ मैं। सुबह आपको मालूम है कितने बजे, 4:30 बजे का उठा हुआ और अभी बज रही है 5:45, और हमें कहाँ पर, हमें हमारे दोस्त की शॉप के वहाँ पर, ये रोशनी आप देख रहे हो अनित भाई, लाइटिंग कहाँ से ला रहे हो, तो ये लाइटिंग है हमारे दोस्त की दुकान की बोर्ड की, द फोन गैरेज। हाँ, ये है हमारे रमेश भाई की दुकान, आओ यहाँ पर और लेके जाओ एकदम कड़क बुलबुल के बच्चे, आपको चाहिए जो चाहिए वो मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, इधर ले फोटो ले भाई ले, द फोन गैरेज बस डेपो के सामने फोन गैरेज है, ये बहुत सारी मोबाइल्स की दुकान है यहाँ पर, द फोन गैरेज है, आओ। रमेश भाई को प्यार बरसा बोला, अनिश भाई का वीडियो देखे थे इसलिए आपके पास है, खत्म। तो दोस्तों आज मेरे पास एक टॉपिक है आला दर्जा, जो इसके अंदर सभी परेशान हैं, सब ऑल ओवर इंडिया परेशान है। क्या परेशानी क्या है अनिश भाई, परेशानी क्या है? परेशानी ये है द बिग फैट इंडियन मैरिज, द बिग फैट इंडियन मैरिज। हाँ हाँ, इसके अंदर लोग बहुत बेचारे परेशान है, करने का क्या इन लोग का, बोले अनिश भाई 20-30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़ों में बात होती है, 15 करोड़ का भी खर्चा है बॉम्बे में, तो क्या करने का क्या है। तो बेटी का बाप क्या करता है, बहुत पैसा कमाता है और 15 करोड़ की शादी करता है, उसमें से 5 करोड़ की उधारी करता है मार्केट से, और 10 करोड़ तो से 5 करोड़ की उधारी करता है और लगाता है, और उसमें भी लोग कहते हैं कि यार रोटी पकी नहीं, सिस्टम बराबर नहीं था, मैनेजमेंट ख़राब था, आइसक्रीम जैसी होनी चाहिए थी वैसी आइसक्रीम नहीं है। तो व्हाट टू डू माय ब्रदर, करने का क्या, द बिग फैट इंडियन मैरिज। हाँ हाँ, द बिग फैट, क्यों बिग फैट क्यों बोल रहा हूँ, बिग फैट इंडियन मैरिज का करने का क्या। हाँ बोले कितना पैसा तुम लगाओ उतना कम है शादी में। हाँ थोड़ा आगे चलेंगे ना, अपनी बात भी पूरी होगी ना। तो ये टॉपिक कहाँ से आया, क्योंकि भाई मेरे घर पे, खुद के मेरे घर पे शादी है, हाँ, और मैंने भी बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा अनिश भाई, बहुत पैसा है, पैसा ना करवानू सू, शू करवानू सू छे, पैसा ना आटला बधू, पैसा ना शू करवाना सू, तो क्या शादी में लगाने का। क्यों लगाने का शादी में, क्योंकि लोग मेरी वाहवाही करे, लोग कहे कि भाई पैसा, बहुत पैसा है, करने का क्या। तो लोग वाहवाही कब करेंगे लोग, हाँ, जब मैं 25-30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया शादी में लगाऊंगा और एकदम ग्रैंड मैरिज करूंगा, ग्रैंड मैरिज, हाँ, यानी ऐसी मैरिज करूंगा मेरे भाई की या मेरी बहन की या मेरी बच्ची की या मैं मेरे बेटी की ऐसी शादी करूंगा कि लोग वाह वाह ही करे, हाँ हाँ, और कहे कि भाई क्या शादी करी थी, हाँ हाँ भाई फलाने साहब ने बहुत ही आला दर्जे की शादी करी थी, बोले अपने को भी वैसा करने का है। और ये जो बोल रहा ना अपने को वैसा करने का है, उसकी इनकम महीने की कितनी है मालूम, 50,000 रुपये इनकम है, और उससे भी कम वाले भी लोग हैं, बोले 20,000 वाले भी है, जिनकी इनकम 20-30 हज़ार रुपया है, वो ये शादी देखकर इबरत लेते हैं कि अपने को भी ऐसी शादी करने की है, 50 लाख रुपया। हाँ, यानी अगर एक इंसान 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 12 महीने का कितना हुआ, 6 लाख रुपया, 6 × 50 डिवाइड करेंगे तो 8 साल होएगा, 8 साल लगेगा उसको 50 लाख, यानी 48 लाख जमा होने में 8 साल लगेगा, कितना 8 ईयर्स लगेगा, उसकी मेहनत लगेगी, 50,000 की इनकम है, तो इतना मतलब उसकी सेविंग्स ही समझ लो ना, 50,000 सेविंग्स है इनकम में, तो फिर 50,000 तो घर बार में ऐसे ही लग जाता, पता नहीं चलेगा, 50,000 की उसकी सेविंग है, लाख रुपये कमाता है, 50,000 अपने घर वालों पे घर खर्च चलाता है, और 50,000 रुपये की उसकी सेविंग है, और 8 साल बाद उसके पास 48 लाख रुपये जमा होते, कितना 48 लाख, बहुत पैसा है, शू करवानू, बोले पैसा ये है ना अपने, मेरी बेटी की शादी पे लगाऊंगा, नहीं मेरे बच्चे की शादी पे लगाऊंगा। हाँ नीयत बराबर है, चल ठीक है, अच्छी नीयत से तू कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, तो ये पैसा जमा हुआ और उसने शादी करी 48 लाख की, 8 साल का पैसा, 8 साल का मेहनत का पैसा, खून पसीना, बोले
बहुत अलग किया, खून पसीना बोले कभी कटा कभी नीचे का पसीना ऊपर आ गया, करने का क्या बोले। तो 8 साल की मेहनत के बाद 48 लाख रुपए जमा किया उसने, और अब सोच रहा है कि मेरी बच्ची जवान हो गई, मेरा बेटा जवान हो गया है, या मेरा छोटा भाई है उसकी शादी करने की, करने का क्या। तो 48 लाख रुपया, व्हाट टू डू, 48 लाख रुपीस, अब मैं करूँगा क्या कि इसका मैं खर्चा करूँगा मार्केट में। बोले आला से आला टेंट लगाऊँगा, आला से आला खाना खिलाऊँगा और सब कुछ करूँगा। बोले रिश्तेदारों को भी बहुत कपड़े वपड़े एकदम दूंगा, भर भर के कपड़े दूंगा, ताकि रिश्तेदार भी मेरे क्या हुआ वाहवाही करे, वाहवाही। हाँ तो वाहवाही ये रिश्तेदार क्या करेंगे जब आप उनको कपड़े दोगे ना, कपड़े। बोले छी इतना लो क्वालिटी का कपड़ा दिया, अरे इससे अच्छा तो मैं दे देती, ये तो 300 वाला कपड़ा दिया। तो करने का क्या, बोले लेन देन के कपड़े ये। हाँ तो ये दिया। फिर उसके बाद जब मैरिज हुई, यानी तुमने बहुत बड़ी एकदम रिसेप्शन किया, उसके अंदर खाना एकदम भारी भारी में का, बोले एकदम टॉप क्वालिटी, जो वलसाड़ जिले में जो टॉप क्वालिटी का जो कैटरर्स था वो तुमने हायर किया, एकदम टॉप क्वालिटी का आपने जो हायर किया है कैटरर, और फिर आपने क्या किया, लगाया, और खाना भी एकदम आला दर्जा बना। पर लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ तो क्या करने का क्या, इन लोगों का समझ में आया क्या छोटे, समझ में नहीं आएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। अनिश भाई तू बात जो करता है ना वो सामाजिक बात नहीं है, तुम्हारी बात ऊपर से जा रही है हमारे। अब अगर हम 48 लाख रुपया हमारे बच्चे की शादी में खर्च नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बोले इतनी मोटी पार्टी है, बोले करने का क्या, बोले इसने कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये सामाजिक बात है, बोले तुम वो बोलते हैं असामाजिक बात करते हो, सामाजिक बात करो ना। तो आपने कैटरर वो हायर किया टॉप क्वालिटी का, वलसाड़ जिले का सबसे, बोले अनवर भाई को लाया मार्केट में, अनवर भाई लाए एकदम बिरयानी एकदम भारी बनाया, बोले हाँ, और बोले बहुत भारी, सब कुछ भारी भारी में का। तो भी लोग क्या कह रहे हैं लास्ट में, बिरयानी में यार थोड़ा तीखापन कम था, मसाला कम था, सिर्फ बोले बोटी नहीं थी, सिर्फ मसाला ही मसाला था, और बोले कि रोटी कच्ची थी, बोले यार हलवा नहीं था, यार हलवे में मज़ा नहीं आया। तो ये क्या है कि आपने 48 लाख रुपए लगाने के बाद आपका फ़ायदा क्या हुआ। हाँ आपकी नीयत तो अच्छी थी कि भाई मैं है ना लोगों को खिलाऊंगा, हाँ तो क्या बड़ा सा बड़ा वलीमा करूंगा, बोले ये तो सुन्नत है, खर्चा करना चाहिए। हाँ तो मैं ना नहीं बोल रहा, आप करो खर्चा करो, पर वो बोलते हैं ना, बोलते हैं कि पैर इतना ही फैलाओ जितनी चादर है ना, यही बोलते हैं ना, पैर इतना ही फैलाओ जितनी चादर है तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास चादर है कितनी, 48 लाख की, आपने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, क्या किया 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो 52 लाख कहाँ से लाए, बोले कि रिश्तेदारों से मांगे, किससे, 5 लाख रुपया बोले मामा से ले लिए, 10 लाख रुपया बोले चाचा से ले लिए, और 15 लाख रुपया बोले भाई से ले लिया, और 20 लाख रुपया बोले एक मेरा दोस्त है बहुत करीबी है उससे ले लिया, वो क्या मेरा बहुत खास है, एकदम खास खासम खास है, मैं उसको जितना पैसा बोलूँ वो मेरे को ऑन द स्पॉट बोले ऐसी यारी है, यारा तेरी यारी को। तो वो क्या है, गाना आ नहीं रहा है, पर हाँ दोस्ती पे बहुत सारे गाने हैं, पर वो क्या है, दोस्त तुमने बोला 20 लाख, वो बोला 20 नहीं ले 22 ले, पर भाई मेरे को 1 महीने बाद तू दे देना यार, क्या है मेरे को 22 लाख रुपया बाद में देने का है मार्केट में। हाँ तो उसने, तूने 20 मांगा उसने 22 दिए, क्योंकि क्या है बहुत, बोले बहुत खास दोस्त है मेरा, बहुत खास दोस्त है। तो शादी हो गई, 1 करोड़ की शादी हुई, फुल एकदम खर्चा फुल एकदम दबा के किया, फुल बोले तो एकदम आला दर्जा। पर क्या हुआ, लोगों ने ऐब उसमें भी निकाल दिए और सब कुछ हुआ। अब 52 लाख रुपए का कर्जा है सर के पास, सर जी 52 लाख रुपए कर्जा है, अब उतारेगा कैसे। बोले 10 महीने की मोहलत ली है लोगों से, 10 महीने के अंदर मैं उतार दूंगा। तो कैसे करेगा, कैसे 10 महीने के अंदर उतारेगा कैसे, 50,000 रुपए की तो तेरी सेविंग है, 10 महीने में 5 लाख रुपया हुआ, तो भी 47 लाख कहाँ से लाएंगा, वेर वेर कहाँ से लाएंगा। हाँ हाँ, तो
तो ये तो मतलब जो मैंने एग्जांपल बताया थोड़ा आगे बढ़ गया है। अगर चलो थोड़ा नीचे लाता हूँ, 48 लाख रुपये जमा था, अब समझ लो 60 लाख का हुआ खर्चा, थोड़ा नीचे करता हूँ क्योंकि एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। बोला अनिस भाई यार तुम तो हवा में दे रहे हो, तो हवा में नहीं, नीचे ला के समझाता हूँ। मेरे को मैटर को समझाना है लोगों को और ख़ुद भी समझना है, क्योंकि मैंने भी लगा दिया है भाई, कितना लगाया वो नहीं बताऊँगा, पर लग गए अपने भी, लग गए जो लगना था वो, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह रब है, हाँ हाँ अल्लाह देने वाला है, हमको उस पर अफसोस नहीं है, हमें तो उस पर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने लगाया और अल्लाह ने लगवा दिया। पर अगर ये बात जो मेरे भाई ने, जो मेरे साथ चलते, उसने मेरे को एक बहुत ही अच्छी नसीहत अभी करी, मैं अफसोस कर रहा हूँ, काश ये मैं इससे पहले मिलता और काश ये मुझे पहले बताता तो मैं मेरे घर वालों को बैठ के ये बात समझाता। ये भाई ने क्या कहा, अनीस तूने 30 लाख रुपये लगाए, 30 लाख रुपया अगर तू तेरे छोटे भाई की शादी कर रहा है, अगर तू 20 लाख रुपये का उसको एक फ्लैट दिला देता, ठीक है उसके रहने का हो गया, जा भाई तू एक काम कर, अलग रह तेरी औरत को लेके, बराबर, मतलब इन ए गुड मैनर। एक तो होता है लड़ाई झगड़ा करके अलग लेता है वो, पर एक तूने क्या किया, उसको 20 लाख रुपये का फ्लैट दिला दिया, हाँ वो आला दर्जा कर दिया, और 10 लाख रुपये उसको धंधे के लिए दे दिया। तो ये आइडिया काश तुम मेरे को पहले देते भाई, तुम्हें मेरे घर वालों से लड़ झगड़ के कर लेता, पर अब तो क्या है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या कहने का क्या, हाँ अब तो लग गई, 4 तारीख को शादी है, उसका क्या करने का, हाँ तो काश ये आइडिया तुम पहले मेरे को दे देते तो कहानी में ख़त्म कर देता, पर जो लग गया वो लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिया। बोले ये बोले क्या है कि पसीना क्या है, बोले हाथ का मैल है, तो हम सुबह सुबह रोज़ यहाँ पर आते, पसीना पहले बॉडी पे चिपकाते एकदम भर भर के, फिर काम धंधे पे जाते, फिर वही मैल को है ना घिसते, और वो मैल को हम है ना पैसे में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा है, तो पहले सुबह दमन में आओ, पसीना निकालो और मेल को जमाओ अपने बदन पे, वो मेल जब दमेगा तो उसको हम धंधे पे जाके निकालते और कन्वर्ट करते पैसा, हाँ पैसे में बनाते। तो जो पैसा जो लगा, सीधा कहने का मतलब 60 लाख रुपए की मैरिज हुई, 48 लाख रुपीस जमा थे, अब भी 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए उसने मार्केट से उठाए, एंड उसने क्या बोला कि मैं आफ्टर 10 मंथ्स 10 मंथ में सबका जो कहे कर्जा उतारूंगा, तो 10 मंथ में भी 5 लाख रुपए जमा हो रहे हैं, 7 लाख रुपए अभी भी बाकी है देने को, क्या करने का क्या, 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। अब 10 महीने में उसने क्या किया, मामा भांजा सबका पैसा दे दिया, मामा भांजा क्या है, पर वो क्या अपना लखोटी जो है ना, लखोटी से उसने 22 लाख नहीं लिए, उसने कितने लिए थे लखोटी से उसने लिए थे 7 लाख रुपये, यानी 5 लाख रुपये जो रिश्तेदार से लिए था वो तो उसने रिश्तेदारों को फटफट दे दिया। अब 10 महीने की मोहलत दोस्त से ही मांगी थी, मैंने सब थोड़ा चेंजेस कर दिए, 1 महीने की मोहलत नहीं, 10 महीने की मोहलत बाकी थी दोस्त से, जो उसने बोला था देख भाई मैं तेरे को 5 लाख नहीं 7 लाख देता हूँ, तू 7 लाख रुपये ले, 7 लाख रुपये दे पर 10 महीने बाद मेरे को यार दे देना, मेरा एक बड़ा काम है, मेरे भी घर पर एक शादी है, समझ रहे, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है। तो क्या होता है 10 महीने में उसने रिश्तेदारों का तो पैसा चुका दिया, पर उसका जो एकदम लखोटी है, एकदम करीब का, एकदम खास खास है, बोले चड्डी बड्डी है, बोले एक साल से बोले हगनाम उतना साथ में किया है, जब से हगनाम उतना क्या साथ में ही किया है। तो 10 महीने बाद जब दोस्त 7 लाख रुपए अपने दोस्त से मांगने जाता है, तो भाई दोस्त बोलता है भाई देख तुझे पता है मेरे 12 लाख रुपया कर्जा था, तो 12 में से मैंने 5 तो यार लोगों को दे दिए, अब तेरा 7 लाख रुपया रह गया और तेरी यार शादी है, यार क्या करने का क्या, यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि नहीं कर पाऊँगा। पहले माफ़ी माजरत कब चाह रहा है कि दोस्त ने है ना पहले 9-8वें महीने से ही उसको हिलाना चालू कर दिया था, भाई देखना ज़रा 2 महीने बाद मेरे घर पर शादी है, वो 7 लाख रुपये ज़रा एडजस्टमेंट मार के रखना, हाँ हाँ हो जाएगा ना टेंशन मत ले, बेफिक्र तेरा भाई है ना, बोले तेरा भाई है, टेंशन मत ले, तूने जब मेरे को वक्त पे पैसा दिया तो मैं भी तेरे को वक्त पे पैसा दूंगा, 8वें महीने में ये बोल रहा है। अब 9वां महीना चालू हुआ तो 9वें महीने में बोल रहा है कि भाई वो दोस्त वापस बोल रहा भाई वो ज़रा देखना 7 लाख रुपये ज़रा, अभी 1 महीने बाद शादी है भाई छोटे वाले भाई की, हाँ तो वो अरे भाई
हो जाएगा, पर यार मुश्किल लग रहा है थोड़ा यार। अरे तो दोस्त क्या बोल रहा है, अरे भाई 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 ज़रा देखना यार, बहुत मुश्किल में आ जाऊँगा भाई, बहुत हालत में आ जाऊँगा मैं अगर ऐसा हो गया तो। तू जब बोला तब मैंने तेरे को 7 लाख रुपये दे दिए थे यार, ज़रा कर देना यार, प्लीज़ यार कर देना। हाँ वाना नहीं, चलना, कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा, टेंशन मत ले। चल अब 10वां महीना चालू हुआ है, अब उसने बोला 5 लाख रुपये जमा हुए तो उसने क्या किया, पहले रिश्तेदारों को पटा दिया दे के। अब 7 लाख रुपया जो था, 7 लाख रुपया इसको देने का था दोस्त को, तो बोले वो कहाँ से लाने का, 50,000 की तो इनकम सेविंग्स थी, तो सेविंग्स ने उसने बचा के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपया दे दिया 10 महीने में। पर 7 लाख रुपये दोस्त का अभी जो इसका मैटर है, शादी है घर पे, क्या करने का क्या भाई, अभी तो है नहीं यार, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसमें दो सूरत हो सकती है, या तो जो शख्स जिसने कर्ज शादी के टाइम पे कर्ज लिया था, अब वो क्या करेगा, या तो 7 लाख रुपये का लोन उठाएगा और ब्याज भरेगा जो उससे गुना होगा, या तो सीधा तीसरी बात ये करेगा कि भाई मैं तेरे को इस बार पैसे नहीं दे सकता, और या तो लड़ाई झगड़ा कर लेगा, बोलेगा जा क्या करेगा, जा जो करना है कर ले, तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म यहाँ पर। पैसों पे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, दोस्ती क्या रिश्तेदारी भी ख़त्म हो जाती, हमने तो देखा है। हाँ तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, करीबी भाई भाई के रिश्ते पैसों पे ख़त्म हो जाते, तो क्या करने का क्या, व्हाट टू डू। तो ये पैसा बड़ी कुत्ती चीज़ है, समझ रहे, पैसा ये फितना है उम्मत का, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितना। फितना का मतलब क्या होता है, फितना ये अरबी वर्ड है, इसको पहले उर्दू में लाते हैं, उर्दू में फितने का मतलब नहीं, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में फितने का मतलब चैलेंजेस, और चैलेंजेस का मतलब मुश्किलात, समझ रहे हो। और फितना चैलेंजेस, चैलेंज है आपके लिए, और चैलेंज मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे चैलेंज को, चुनौती है ये आपके लिए। हाँ तो ये जो पैसा है ना, पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक चुनौती है ये, कि तुम पैसे में रह के हाँ कैसे रहेंगे, ये चुनौती है। तो वो सब चीज़ें अल्लाह के नबी ने तो बता के गए कि पैसे का कैसा इस्तेमाल करने का, पर क्या है इस्तेमाल क्या हो रहा है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, आपने 60 लाख रुपये शादी में लगा दिए, 60 लाख रुपीज़ शादी में, हाय हाय हाय। अगर आप 50 लाख रुपए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप 60 लाख के अंदर से क्या कर सकते थे, 10 लाख रुपए की आपने एकदम नॉर्मल वेडिंग करी, नॉर्मल 10 लाख में भी अच्छी खासी शादी आज के टाइम पे हो जाती है। अगर आप सिर्फ खाना खिलाओ ना, वलीमा करो, तो वलीमा 60 लाख रुपए में आप अच्छे खासे लोगों को आला से आला दर्जे का खाना खिला सकते हो। हाँ 7 लाख रुपए में आपने खर्चा, एकदम बेहतरीन शादी करी, और अल्लाह के नबी ने खुद ने करी है, वलीमे खुद किए हैं अल्लाह के नबी ने। हाँ जब पैसे था तो कम में पटा दी, और क्या था पैसे, जब पैसे नहीं, जैसे बहुत सारे वाकया थे, बोले कि क्या किया साहबा, उसे कहा कि एक काम करो यहाँ पर आ जाना और खाना घर से ले आना, तब बोले पैसे नहीं थे मार्केट में, और उसके बाद बोले जब खुद के पास पैसे थे तो बोले ऊँट को कटवा के भी दावत दी है। हाँ है ना, तो ऊँट को कटवा के भी, अरब में ऊँट कटते भाई, सीधी बात है। तुम बोले अनिस भाई क्या करने का क्या, तुम तो ये अड़ी टेढ़ी बात करते हो, तो अरबिस्तान में तो ऊँट भी कटते और उसकी भी दावत दी है, और ऊँट की कॉस्टिंग कितनी होती, 5-7 लाख रुपया होता है भाई, समझ रहे मेरी बात। तो जब पैसा था तो किया, जब भाई तुम्हारे पास पैसा कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, पर कर्जे में डूब कर करना ये गलत बात है। सीधी बात ये है कि आदमी को वो दरमियानी चाल चलनी चाहिए। हाँ ज़्यादा फिजूल खर्ची भी नहीं, ज़्यादा कंजूसी भी नहीं। हाँ तो ऐसा करने का बात है। अब मैं जो समझाने वाला था, अगर आप 50 लाख रुपए का क्या, 50 लाख रुपए जो आपने 60 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की अच्छी सी वेडिंग कर दी, वलीमा कर दिया, 50 लाख रुपए का अगर आपने कोई धंधे में इन्वेस्टमेंट कर देते, या आप 50 लाख रुपए जिसकी शादी थी उसको बोलते ले ये तेरा पैसा है भाई, मैंने तेरे लिए जमा किया था, अब तेरे को जो करना है उसका कर, 50 लाख रुपए का तेरे को धंधा करना है धंधा कर,
या शादी करनी है, शादी का क्या नाम है, सॉरी शादी तो दूसरी नहीं करने की भाई, दूसरी कर सकते पर क्या है कि कर सकते हैं, अपने को भी चाहिए हैं, अपने आई एम रेडी फॉर सेकंड मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ओपन कि कोई भी अगर लगे तो वो इंस्टाग्राम में डीएम कर दो मेरे को, किसी को भी कोई चाहा हो मेरे से शादी करने के लिए, अनिस भाई तुम्हारी बातें सुन के यार आई लव यू, तो आई लव यू टू माई जान, आ जा, क्या करने का क्या है, सुभान अल्लाह। मेरे को मालूम है मेरी औरत वीडियो नहीं देखती इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो फट जावे, गाड़ पे लात मार मार के भगा दे मेरे को भाई, क्या करने का क्या है, सिस्टम हिला देगी। तो मुझे पता है कि तू देख नहीं रही इसलिए मैं इतना बेधड़क बोल रहा हूँ, बाकी नहीं तो बबाल हो जाओ बबाल। तो भाई समझ रहे, इफ़ ऑल द गर्ल्स हु लाइक मी एंड वॉन्ट टू मैरी विथ मी आई एम ओपन, जस्ट डीएम मी, माई नंबर इज 7777-9666-40, प्लीज़ कॉन्टेक्ट, आई एम फ्री टू अल्हम्दुलिल्लाह, पर हलाल वे में निकाह करूँगा और अलग घर में भाड़े के घर पे लेके रखूँगा भाई, पहले क्या इतना औकात अपनी इतनी है, भाड़े के घर ही दूँगा, पूरी बता रहा हूँ, बताऊँगा तो पूरी बताऊँगा, कम नहीं बताऊँगा, जो है तो समझ लो ऐसा। तो क्या करने का क्या अनीस भाई, हाँ तो 50 लाख रुपए की जो बात चल रही है तो ये आप दे सकते हो उसको, बोल ले एक काम कर 30 लाख का फ्लैट ले मस्त एकदम 2 BHK ले रे एकदम, और 20 लाख रुपए धंधे में डाल। तो ये बात है, ये सिस्टम है भाई, ये हो सकता है। तो तुम कहोगे अनीस भाई तुम गैर सामाजिक बात करते हो, असामाजिक बात है, तुम असामाजिक तत्व हो इस समाज के, तुम असामाजिक तत्व हो अनीस भाई, तुमको करने का क्या है, तुम्हारी बातें हमारे समझ में नहीं आते। हाँ तो बात क्या है कि कड़वी बातें हैं ना लोगों को समझ नहीं आती है। हाँ मीठी मीठी बातें, गोली खाने की बहुत आदत है, बोले शुगर के मरीज है तो मीठी बातें प्यार वाली। अच्छा एक बात ये है मार्केट में, जब तक तुम है ना किसी के बातों में हाँ में हाँ मिलाओगे ना हाँ में हाँ, तो लोग तुमसे खुश रहोगे। हाँ भाई सुनना बात, ये मैं तुमसे अभी एक चलते फिरते एक सवाल पूछ लूँगा, जब तक तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे ना और उनकी बातों के पर हाँ में हाँ मिलाओगे ना, तो वो लोग खुश रहेंगे खुश। और जिस दिन तुमने उनका विरोध किया सिर्फ एक ही बात पे, हाँ एक ही बात, तुमने उनके 100 दिन में 100 बातें सुनी और वो खुश है, वाह वो खिलाफ हो जाएंगे आपके। हाँ नहीं तो सुनो तो सर, 100 दिन में 100 बात सुनी, अब भाई क्या बोल रहे मार्केट में, बोले अनीस जैसा कोई है ही नहीं, वो है ना राय मशवरे के बगैर बात करता ही नहीं, मतलब काम करता ही नहीं, पहले पूछता है भाई। पर जिस दिन तुमने उनसे राय मशवरा लिया और उनके फैसले के खिलाफ बोले, मतलब फैसला यानी उनकी राय के खिलाफ, फैसला छोड़ दो फैसला भी हुआ नहीं है मशवरे में, उनके राय के खिलाफ तुमने बात बोली, पागल हो गया क्या, करने का क्या बोले, ऐसा मतलब मार्केट ऐसा है तुमको बता रहा हूँ मैं, मतलब 100 बात तुमने सुनी, भाई अनीस से जैसा लड़का नहीं है ये, भाई बहुत अच्छा लड़का है ये, हमारी बात सुनता है। पर जिस दिन तुमने उनके मशवरे के खिलाफ बोला, उनकी राय के खिलाफ बोली, उस दिन मार्केट हिलेगी। हाँ और मार्केट कैसे हिलेगी, हमारे साथ तो रहने वाले ऐसे कि पूरी मार्केट हिलाने में बहुत सक्षम है, बहुत चिल्लम चाली करते मार्केट में। तो ये है, ये सिस्टम है, व्हाट इज सिस्टम इज गोइंग ऑन, सिस्टम ये है। हाँ सिस्टम ये है कि जब तक तुम लोगों की बातों को सुनोगे तो वाह वाह ही होगी मार्केट में, हाँ भाई आनो जो पोयरो नहीं आज आवो आवो माणस होदवासी नहीं मरे, तुम्हें चिराग लेने फरसो ने मार्केट में तो पण नहीं मरते, वो समझ हलकट समझता सर है। तो देव मानस निकला रहा। हाँ तो देव मानस बोले क्या, देव मानस का करने का क्या, वॉट टू डू विद द देव मानस। हाँ बट क्या है कि मार्केट के सिस्टम क्या है, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, अगर ये आपको बात गलत लग रही है ना तो आके मेरे को मिलो मेरी दुकान पे और मुझे समझाओ, मैं फ्री हूँ, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा और अगर आप गलत हुए तो मैं मेरी जवाब आपको दे दूंगा, और अगर आप सही हुए तो मैं मेरा क्या नाम है शर्मिंदगी से सर को नीचे करूँगा और आपको एक सल्यूट भी दूँगा कि भाई तुम्हारी बात सही है, तुमने आके मेरे को क्या मेरे को गाइडलाइंस दी है, मैं आपका शुक्र अदा करूँगा और आपको है ना दिल से थैंक यू बोलूँगा। पर
अगर ये मैं बात जो अभी आपको बोला कि जो बात मैंने बोली कि 100 बात में आपने 100 बात पे हाँ बोली तो लोग क्या खुश हो गए, पर एक बात में 101 बात में से एक बात आपने उनका विरोध किया ना तो क्या होगा, भाई ये तो गांडा हो गया है, ये तो पागल हो गया है, इसको बात समझ नहीं आती है, हाँ हमने ज़्यादा दुनिया देखी है तेरे से, हाँ तो ये बात है। अगर वाहवाही करवानी है तो हाँ में हाँ मिलाते रहो, और अगर विरोध करोगे ना, जिस दिन तुमने विरोध किया उस दिन देखना क्या होता है बबाल, कैसा आदमी उछलता सामने वाला है। जो बोल रहा था ना मार्केट में कि इससे जैसा अच्छा आदमी नहीं है, वो ये बोलेगा ये सबसे बड़ा भड़वा है, यानी सबसे बड़ा भड़वा है, ऐसा बोलेगा, समझे। तो बात ये है मेरे भाई, हाँ तो ये क्या है, मैं और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तजुर्बे की बात है। हाँ अब वो तुम बोलोगे अनिस भाई तुम कहाँ की बात कहाँ लाते हो, बोले बोले कि अभी क्या बोले, छोड़ो अगर इसमें बोलूँगा तो फिर तुम बोलोगे क्या बोलेगा, समझ लो कहीं के भी बात है, अब मैं बताऊँगा नहीं कहीं कहाँ की ये बात है, कहाँ की बात है वो मैं नहीं बताऊँगा। हाँ बट बात यही है कि करने का क्या छोटे। हाँ तो ये जो अभी शहरी द बिग फैट इंडियन मैरिज, करने का क्या, व्हाट टू डू, हाँ द बिग फैट इंडियन मैरिज का करने का क्या, इससे सब परेशान है, हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, एथिस्ट भी जो मानता नहीं वो भी परेशान है। तो करने का क्या, करो निकाह सिंपल करो। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एक कौम है जिसे हम बोलते चीलिए लोग, जो कहाँ पर रहते, बनासकांठे में रहते, पाटन में रहते, महसाणा में रहते, हाँ जो होटल लाइन के किंग हैं, हाँ तो उनके यहाँ पर शादी, अरे भाई उनके पास भरमसाठ पैसा, भरमसाठ भर भर के पैसा, तिजोरी भरी हुई है, जाओ रेड मारो, जाओ मैं पता बता दिया हूँ, जाओ बनासकांठे में जाओ रेड मारो। तो करने का क्या अनिस भाई, तुम तो साला गलत कर रहे हो सब, हाँ साला सब अपने ही कौम वालों की माँ बहन कर रहे हो, बोले करने का क्या, तो माँ बहन नहीं कर रहा भाई, वो लोग बहुत अच्छे आदमी हैं और उन लोग क्या है कि सब पूरा टैक्स वैक्स सब भरते, तो तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे अगर तुम मारोगे रेड। तो बात यह है, मैं बताता हूँ मेन बात क्या है, ये जो कौम है ना चीलिया कौम, हमारे मुसलमान समाज में अल्लाह इनको और बरकत दे, अल्लाह इनकी इखलास में और लिल्लाहियत का जज्बा देवे, अल्लाह इनकी हर मुरादों को पूरी करे, और अल्लाह इनकी जो आने वाली नस्लें हैं उनके जो पूर्वजों के नक्शे कदम पे चलने की इनको तौफीक देवे, क्योंकि आने वाले नस्ल का बहुत मसला हो जाता है, समझ रहे, तो इनके पूर्वज जो नस्ल जिस चीज़ पे चले थे उन पे इनको चलने की तौफीक देवे। हाँ तो इनके यहाँ पर होता क्या, मैं बताओ, कल मेरी बात हुई एक मेरे कस्टमर से, या दोस्त समझ लो, कुछ भी बोल लो, रेगुलर बात होती है, वो पाटन के रहने वाले, पाटन के, गुजरात में पाटन करके गांव है। तो अनिस भाई हमारे इधर कैसा है, बोले शादी होती है, बोले भाई की, मैं बोला भाई की शादी है तो, मैं बोला खर्चा भी बहुत होगा, अरे अनिस भाई हमारे इसमें खर्चा, मेरी शादी 6,000 रुपये में हुई थी, मैं बोला क्या, कितने में हुई थी, कितने में हुई थी अनिस भाई, 6,000 रुपये में, अरे भाई 6,000 रुपये में कैसे हो गया, बोले अनिस भाई अपने यहाँ पर, बोले वो सालाना इज्तिमा होता है जिसमें लोग जमा होते हैं, फिर वहाँ पर क्या बयान होता है, प्रवचन होता है, तो उसमें मेरी शादी हुई थी जिसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, बोले और रुखसती, बोले और लड़की की रुखसती कैसे हुई, बोले मेरे घर वाले जो घर वाली जो औरतें थी 3-4 गई थी, बोले उनको लड़की वाले के घर पर गई और लेके आ गए मेरे घर पर, और नेक्स्ट डे हमने रिसेप्शन कर दिया, वलीमा कर दिया। तो इससे आसान शक्ल क्या है, हाँ हाँ इससे आसान शक्ल क्या है, तुम पैसा सिर्फ तुम्हारा पैसा कहाँ लगा रहे हो, व्हाट टू डू विथ योर मनी, हाँ हाँ आपके पास बहुत पैसा है, हाँ अगर तुम, मैं अनीश शरीफ कुरैशी साला रोज आ रहा हूँ सैफी हेल्पिंग हैंड करो, पैसा दो 10 रुपया दो 10 रुपया दो, कितने जन का पैसा आता है, ए 2 जन का आता है, एक 10 जन करता, एक 10 रुपया करता है, 11 रुपया करता है, वो 11 रुपया वाला तो बेचारा रोज कर रहा है, उसका तो मैंने वादा किया है, और अल्लाह मेरी बात को कभी, अल्लाह से दुआ है, देखो मैंने अल्लाह उससे प्रॉमिस किया है 11 महीने में तू उसकी ज़िंदगी बदले, अल्लाह देख मैंने प्रॉमिस कर दिया, पर क्या है करना तो तुझे ही है, हाँ तो मेरी बात को मेरे, तू देख वो भी तेरे लिए कर रहा है, मतलब
अब कैसा है कि भाई ही इज़ नॉट ए मुस्लिम, बट जो रब तो एक है, करने वाला, धरने वाला, पैसे देने वाला सब कौन है? एक है, ही इज़ द ओनली वन। तो ओनली वन के लिए मैं उसको समझाया भी, देख अगर तू वाहवाही के लिए अनीस भाई खुश हो जावे, अनीस भाई ने बोला तो करने का तो करने का, तो ये नहीं है, तू नीयत साफ रख। हाँ वो रब है, रब वो 11 महीने में तेरी ज़िंदगी को बदलेगा, मैंने ऐसा बोला है उसको। ओ मेरे रब, मैं तेरे से दुआ करता हूँ भले से, देख तू ही है देने वाला, उसकी ज़िंदगी तू बदल दे 11 महीने में। हाँ हाँ, तू उसकी दिल की मुराद पूरी कर दे, ऐसा है। तो भाई ये दुआ हो गई अपनी उसके लिए, भाई के लिए। अब कहने का क्या, अब इतना पैसा जो सैफी हेल्पिंग हैंड में साला मैं रोज आके चिल्ला रहा हूँ, रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, भाई 10 रुपये डाल दो, 11 रुपये डाल दो, ऑनलाइन फ़कीर हो गया हूँ मैं एक तरह का। और कभी कभी मेरे को शर्मिंदगी लगती है कि भाई रोज़ आके साला मांगने का करने का, लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। ये मेंटेलिटी है ना, नेचुरल फितरत है, ये इंसान के अंदर ये फितरत है, लोग क्या कहेंगे। तो ये अंदर आएगा, हमारे अंदर आएगा, कैसे आएगा? हाँ क्यों आएगा? क्योंकि ये फितरत है, दिस इज़ नेचर माय ब्रदर, ये इंसानी फितरत है। तो फितरत को तुम बदल नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो आएगी कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे अंदर भी आता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, साला रोज़ आता हूँ, रोज़ 10 रुपये मांगता हूँ, 20 रुपये मांगता हूँ, तो मेरे अंदर भी आता है, मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ। हाँ मेरे अंदर भी आता है, पर मैंने समझा के रखा, अब इससे पहले भी मैं करता था, पर अब इस बार मैंने एकदम संकल्प बहुत भारी उठाना है। इस बार चाहे मेरी, जब तक मेरी मौत नहीं आएगी तब तक मैं नहीं रुकने वाला, चाहे मेरे को कोई भी रुकाने वाला है, चाहे वो, मैं खुला बोलता हूँ, चाहे वो मेरे घर वाले हो, मेरे दोस्त हो, मेरे मोहल्ले वाले हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरी फुप्पी हो, मेरा फुफा हो, मेरा खालू हो, मेरी खाला हो, मेरी दादा हो, मेरी दादी हो, मेरे नाना हो, मेरी नानी हो, मेरे दूर के मामा हो, दूर की मामी हो, कहीं के भी कुछ भी हो, पर इस बार जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये हमारा वो ले लिया मैंने। चाहे मेरे को उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे, सीधी बात है, तुम बोलोगे घर से बाहर जा, मैं चला जाऊँगा। बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने बहुत छुपा के पैसा बहुत रखा हुआ है। हाँ मेरे घर वालों से मैं बोल रहा हूँ, मैंने पैसा बहुत छुपा के रखा हुआ है, तो बहुत पैसा है मेरे पास। अगर तुम बोलोगे कि चला जाए इस घर से बाहर छोड़ के, तुम हमारी बात को नहीं मानता, हाँ हाँ तू हमारी बातों को समझता नहीं है, तू असामाजिक तत्व हो गया इस समाज का, हाँ तो करने का क्या? अब हक बात के लिए यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैंने ठान ली है, या तो तोड़ूंगा या तो छोड़ूंगा, या देखो या तो करके रहूँगा, मतलब क्या है, ठान जो लिए वो बात ख़त्म है अभी। और ज़िद्दी मेरेपन, ज़िद्दीपन बहुत है, मेरे घर वालों को सबको पता है कि साला ज़िद्द ले लेता तो हिला देता मार्केट, तो मार्केट जब तक हिलेगी नहीं तब तक अपने छोड़ेंगे नहीं ऐसा। तो मेरे भाई, मेरे भाई, द बिग फैट इंडियन मैरिज का करने का क्या, वॉट टू डू। हाँ हाँ जो बात है ये सिंपलिसिटी, हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ जिसका मफहूम है, उनकी फरमान नहीं बताऊंगा अब मैं, मेरे हिसाब से बताऊंगा, इसमें अल्लाह के नबी के फरमान नहीं जोड़ूंगा। देखो उन्होंने कहा, कह के गए इस दुनिया से कि जितनी सिंपल शादी करोगे उतने बरकत होगा, तो हम क्यों ना हमारे नबी की बात को माने। हाँ और मुझे पता है कि भगवान राम ने भी, कृष्ण ने भी ये सिंपलिसिटी बताई है, तो क्यों आप इतना पैसा, यू आर वेस्टिंग योर मनी इन दिस द बिग फैट इंडियन मैरिज, वॉट टू डू। द बिग फैट इंडियन मैरिज का करने का क्या, इतना पैसा तुम लगा रहे हो, कर रहे हो, फ़ायदा क्या हो रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है कि लोग टकार मार के जा रहे हैं और बोल रहे हैं मस्त खा लिया, इतना यहाँ तक खा लिया, कहाँ तक खाया कि बोले हल्लक तक खा लिया, फिर भी ऐब निकाल रहा है। हाँ रिश्तेदार भी बोल रहे नहीं मजा आई, करने का क्या। तो इससे अच्छा जो आइडिया मैंने आपको दिया था, जो हमारे भाई ने मुझे आइडिया दिया, वो उनके ज़रिए से मैंने आपको बताया कि करने का क्या, छोटे दे दो 20 लाख रुपया लौटे को दे दो, लगाएगा फ्लैट ले लेगा, 10 लाख रुपया धंधे के लिए दे दो,
साला कमाए खाएगा खुद करेगा, फिर क्या है कि मगजमारी नहीं। तो बात इधर ही ख़त्म करेंगे, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, चिल्लाने से बंद तो शाने क्या, तो क्या करने का क्या। हाँ इस साला, हाँ 25 साल से है, बोले 30 साल से चार मीनार पे बैठे, बोले क्या करने का क्या इस्माइल भाई, इस्माइल भाई बोले खुंदेल खुंदेल के मारा यार वो, तो क्या करने का क्या, खुंदेल खुंदेल के मारने का क्या मार्केट में। चल मेरे भाई ख़त्म करें।